सब्सक्राइब करिए YouTube चैनल टेक्समीनिया को और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू YouTube चैनल टेक्समीनिया। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेके आया एक और कमाल का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया लैपटॉप या फिर कंप्यूटर परचेज करूँ, या फिर आप खुद का एक ओन पीसी बिल्ड करना चाहते हैं अपने काम के लिए, गेमिंग के लिए, या फिर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक रखते हैं या फिर बिजनेस है आपका, तो आपके लिए क्या स्पेक्स बेस्ट होगा, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पीसी के अंदर, जिससे आप अपने वर्क को बहुत ही एफिशिएंट एंड बहुत कम टाइम लगा करके चला सकें। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पीसी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में रहने का एंड तक, जिससे आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव एंड टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन टेक्नोलॉजी विद टेक्समीनिया। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात आती है कि आप पीसी को किस हिसाब से बिल्ड करना चाहते हैं। हिसाब का मतलब है कि आपका काम क्या है। अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं, आप ऑफिस वगैरह में अपना काम करते हैं, तो आई थिंक आप मोस्टली जो है काम करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई नॉर्मल ऑफिस में आप डॉक्यूमेंट वगैरह लिख रहे हैं, डेटा एंट्री जॉब कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं मोस्टली, और या फिर आप कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली क्या होता है, आपको बहुत कम स्पेक्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप मिनिमम से मिनिमम और कम से कम खर्चे के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक अपना पीसी बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर आपको ऑफिस के लिए वर्क करना है, तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, तो दोस्तों अगर आज के ज़माने में बात करूं कि वर्क करने के लिए मिनिमम प्रोसेसर i3 आपके पास होना चाहिए। मैं पेंटियम या फिर किसी डुअल कोर प्रोसेसर को इसलिए नहीं यहाँ पे बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक बाद में एक जो चाहिए काम करने में जो लगन होती है तभी आती है जब आपका कंप्यूटर या फिर पीसी आपका साथ देता है काम करने में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कभी एक लैग आपको फील होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वहीं पे आपका जो काम करने का मन होता है ना, वो डाउन हो जाता है। आप अगर पुराने यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले भी जानते होंगे कि कंप्यूटर किस हिसाब से लैग करता है, बहुत ख़तरनाक एक लैगिंग होती है। तो इसलिए मिनिमम i3 आप रखिए। और अगर जनरेशन की बात करूँ, तो कोशिश ये करिए कि 8th जनरेशन तो मिनिमम आपके पास हो ही जाए। दोस्तों, मिनिमम आपको 8th जनरेशन का प्रोसेसर रखना है। कारण ये है कि आपको एक i3 का एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप लेटेस्ट जनरेशन्स पर जाएंगे। पुरानी जनरेशन्स में आपको वो इफ़ेक्ट नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं, जो आपको काम में होना चाहिए, क्योंकि आप पैसे खर्च कर देंगे। आपको कुछ दिन के बाद समझ में आएगा कि ये उस हिसाब का नहीं है जो मेरे पास होना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपका बजट बन सकता है, तो आप i5 के लिए भी जा सकते हैं, और या फिर अगर i3 कर रहे हैं, बजट बने 10th जनरेशन, या फिर i5 10th जनरेशन पर जाएं। कोशिश ये करिए लेटेस्ट जनरेशन रहनी चाहिए, जिससे आपको भी काम करने में अच्छा लगे। दूसरी चीज़, आपके पास 4GB रैम एटलीस्ट होनी चाहिए। भले ही आप काम कर रहे हैं, आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स हैं, मान लीजिए आपको अपना जो डेटा है वो वर्ड से लेके एक्सेल में ट्रांसफ़र करना है, एक्सेल से आपको अपने एक जीमेल में डालना है, और जीमेल पे डालने के बाद आपको बहुत सारे और काम हैं, एक साथ आप कई काम कर सकें, इसलिए आपके पास मिनिमम 4GB रैम होनी चाहिए। और मिनिमम क्यों, मैक्सिमम काम करने के लिए 4GB रैम सफिशियंट है। आप अगर नॉर्मल राइटिंग एंड टाइपिंग जॉब करते हैं तो बेस्ट है। उसके बाद आपके कंप्यूटर के अंदर आप हार्ड डिस्क रखते हैं, तो उसको मैं नहीं कहता कि आप हार्ड डिस्क रखिए। अगर आप SSD के ऊपर जा सकते हैं, तो आप 240GB वाली SSD को यूज़ कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आप अपने कंप्यूटर में SSD डालिए। SSD के फ़ायदे मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं, आई बटन पे मिल जाएगा। तो इसमें भी बता देता हूँ कि जो PC आपका बूट फास्ट होता है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है वो डिस्क पे वर्क करती है, और SSD जो होती है काइंड ऑफ पूरा एक सर्किट, ICs लगी होती हैं उसमें, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा फास्ट होती है, और करीबन 10 गुना ज़्यादा तेज़ होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। आप शुरू में तो हार्ड डिस्क कोई भी परचेज करिए, वो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन धीरे धीरे चल के जो है ना, वो एक डिग्रेड हो जाती है हार्ड डिस्क। लेकिन SSD के साथ ऐसा नहीं है, SSD बहुत बढ़िया से वर्क करती है। मेरे पास भी करीब 1-1.5 साल हो गए SSD यूज़ करते हुए, और मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि SSD मेरी जो है वो ख़राब हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ग्राफिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ऑफिशियल काम कर रहे हैं, देन आपको ग्राफिक्स की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं एक कंप्यूटर लेना, तो आप सबसे पहले चीज़ ये देखिए कि आपके पास एक अच्छा एक लैपटॉप, अगर आप कोशिश करो, क्योंकि ऑफिशियल वर्क के लिए लैपटॉप बेस्ट है,
कंप्यूटर मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आपको कोई काम है, तो आप कंप्यूटर उठा के कहीं नहीं ले जा सकते, लेकिन एक लैपटॉप ऐसी चीज़ है जो आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो जो जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है वो अपने पीसी में ढूंढिए और बेस्ट पीसीज आप देख सकते हैं। मैंने कुछ लिंक में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहाँ से जा करके पीसी कर सकते हैं, पीसी बाय कर सकते हैं। और मैंने बजट के हिसाब से कुछ थोड़ा रखे हैं, तो 2-3 लैपटॉप आपको मिलेंगे, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप अपना देख सकते हैं। तो दोस्तों अब सेकंड बात आती है कि अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं देन आपके पास क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो गेमिंग पीसी के लिए दोस्तों अगर मैं कहूँ तो आप अगर ठीक ठाक बजट है आपका तो आप 1 TB के SSD पकड़ें। 1 TB का बहुत सारा रीज़न है। और अगर आप 1 TB और दोस्तों अगर आप 1 TB के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते देन आपको मिनिमम 500 GB की SSD डालनी चाहिए। SSD अब आप कौन सी डालते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है, आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, M.2 भी डाल सकते हैं, जो आपके ऊपर ज़्यादा जो आपको सही लगे। और दूसरी चीज़ आपके पास मिनिमम i5 या 10th जनरेशन या फिर i7 8th जनरेशन या 10th जनरेशन होना है ज़रूरी है, उससे आपको जो है ना एक अच्छा एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और जो आपका लैगिंग वगैरह है ना वो काफ़ी कम हो, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप ग्राफिक कार्ड जो है वो ले लें, और ग्राफिक कार्ड अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो मिनिमम आप 2 GB या फिर अगर आप 4 GB के लिए कर सकते हैं तो एक्सटर्नल ग्राफिक्स यूज़ करें। और उसके साथ ही आपको यहाँ पर रैम स्टिक्स अपनी कम से कम 8 GB से 16 GB तक की रखनी चाहिए, जिससे आप बड़े से बड़े गेम को भी आसानी से खेल सकें। गेमिंग के लिए वैसे 8 GB तक सही है, और रैम जो है ना DDR4 होनी, या फिर रैम मिनिमम तो DDR4 होनी ही चाहिए, DDR4 से कम फिर रैम आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाती है। और अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं, और मोस्टली तो वीडियो एडिटिंग्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास मिनिमम जो है ना 8 से कह सकता हूँ मैं 16 GB होनी चाहिए, अगर आप 1080 pixels तक की वीडियो एडिटिंग करते हैं। उसके साथ SSD तो आप 1 TB के रखिए, अगर आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 500 या फिर 240 GB के एक SSD पकड़िए, और उसके साथ आप अलग से एक हार्ड डिस्क स्टोरेज ले सकते हैं, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं 1 TB या फिर जो भी आप एफर्ड कर सकते हैं वो आप यूज़ करिए, वो आप अलग से अपने CPU में लगाइए, देन आप बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस पा सकते हैं। आपको स्टोरेज मेन ज़रूरत होती है, हम जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसका स्टोरेज फाइल अपने को रखना पड़ता है काफ़ी दिनों तक। मेरे पास तो मेरे 4-4 साल पहले की भी वीडियो एडिटिंग फाइल्स पड़ी हुई हैं और अभी भी सारे वीडियोज़ मेरे पास पड़े हुए हैं। तो एक स्टोरेज रखना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पुराने वीडियोस का भी ज़रूरत पड़ जाए इसलिए रखना ज़रूरी है। तो आप उसके साथ अगर आप एफर्ट करते हैं तो i7 तो मिनिमम आपके लिए भी होना ही चाहिए, क्योंकि गेमिंग और कह सकते हैं आप वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस क्योंकि थोड़ा सा जो भारी चीज़ें होती हैं ना वो फाइल्स वो पड़ी रहती हैं। और अगर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं देन आपके पास मिनिमम 16-32 GB हो तो भी वो भी कम नहीं है, इतनी रैम आपके पास होनी ज़रूरी है। और उसी के साथ आपके पास कम से कम 4 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड से ये होगा कि आपकी रेंडरिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, वरना आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ मेरा काम लेट हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप पैसे में वीडियो एडिटिंग करते हैं या आप किसी से चार्ज करते हैं वीडियो एडिटिंग का, फोटो एडिटिंग का, देन वो भी आपको भी लगेगा कि हम काफ़ी सारे काम पकड़ सकें, और उसको भी लगेगा कि हमारा जो वीडियो है, जो हमारा प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया है वो काफ़ी जल्दी मिले। तो मेन फास्ट करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना होगा, जिससे रेंडरिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सके। और अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ उनके लिए जिन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है या फिर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करते हैं, देन उनके लिए दोस्तों आपके पास 16 GB रैम होनी चाहिए, DDR4 होनी चाहिए, जिससे आप एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कर सके, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि जो आप फाइल ओपन करते हैं वो सब होती हैं रैम के अंदर ही। और दूसरी चीज़ ये कि SSD आपके पास भी 500 GB होनी चाहिए, 500 GB नहीं भी है तो आप 240 GB तक कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज लगा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आप CPU अगर बिल्ड कर रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के लिए आपके लिए कंप्यूटर ज़रूरी है, अगर आप कर सकते हैं एफर्ट, और अगर लैपटॉप कर सकते हैं तो वो अलग से, बट कंप्यूटर एक बेटर है क्योंकि आप उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, मीन्स आपको जब जो चीज़ ज़रूरत है वो आपने हटाई लगाई तो उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आप अगर एफर्ट कर सकते हैं तो M.2 लगाइए, M.2 में ब्लू आती है वो यूज़ करिए, और जिससे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। आप कोई भी चीज़ रियल टाइम पे जैसे क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाए, और उससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपके सारे वर्क में। और यहाँ तक कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो भी आप ब्लू का यूज़ कर सकते हैं,
जिससे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। वर्किंग के लिए, नॉर्मल वर्किंग के लिए तो ठीक है, चलो ग्रीन यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आपको थोड़ा हाई ग्रेड के वर्क करने हैं जो ज़्यादा भारी होते हैं कंप्यूटर के लिए, वो आपको कम से कम ब्लू या फिर अगर आप एफर्ट कर सकते हैं ब्लैक पर भी, ब्लैक तो काफ़ी महंगी हो जाती है, लेकिन आप ब्लू पर भी जा सकते हैं, ब्लू काफ़ी ठीक ठाक रहती है। और दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास भी मिनिमम 2 GB का ग्राफिक कार्ड्स होना चाहिए, या फिर आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, और अगर हो सकता है तो 4 GB रखिए, जिससे आपको भी आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि यार आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, कभी आपको गेम डिज़ाइन करना है या कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो आपके पास एक स्पेक्स होना चाहिए कि आपको कभी ज़रूरत ना पड़े कि हाँ मेरे को ये PC अब रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप ऐसा स्पेक्स रखें जो आपको फ्यूचर में भी काम आए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी कवर किया वो शायद आपको पसंद आया हो। और दोस्तों, सारे PCs के जो पार्ट्स हैं या फिर आप कंप्यूटर बिल्ड बना चाहते हैं, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सभी चीज़ों के लिंक डाल दूंगा, आप बाय करना चाहें कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत शॉर्टेड प्रोडक्ट्स, और दोस्तों वो प्रोडक्ट रखूँगा जो आपके लिए सबसे सही, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो अच्छा वर्क करता है उस प्राइस रेंज में, वो सारे प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिएगा, जिससे मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टेक्समेनिया।